ये जब मुल्क आजाद हुआ और ये सन 1917 ही से रूह फूंकी जा चुकी थी आजादी की, उसके बाद बाजाब्ता 1857 में जो हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानियां देना शुरू किया और मुल्क के खातिर अपनी जानें कुर्बान की, उनको आप कभी भुला नहीं सकते। आप देखिए कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, या अल्लामा फजल हक खैराबादी वो पर्सनालिटी है, वो शख्सियत है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद शादी फरमाया। अब सवाल यह है कि जो फतवा शादी होता है वो हमारे उलमा मुफ्तियान किराम कहां से साबित करते हैं? वो अपनी दुकान और मकान और जेब से नहीं साबित करते हैं, उस फतवे की दलीलें कुरान और हदीस से देते हैं। अब दूसरे लफ्जों में आप ये कहिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कुरान हदीस की रोशनी में अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद शादी फरमाया था। सच है, सच। आज जब लोग कुरान के खिलाफ उंगली उठाते हैं, कुरान की अजमत के खिलाफ बकवास करते हैं, तो हमें मोहब्बत से उन्हें समझाना पड़ता है कि कुरान के खिलाफ बकवास करने वालों, कुरान की आयतों को बदलने की बात करने वालों, कुरान में मुदाखलत का प्रोग्राम रखने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर हिंदुस्तान में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। ये कुरान ही की बरकत से इस मुल्क को आजादी मिली है। हजरात तवज्जो कीजिएगा, और ये कुरान कहां पढ़ाया जाता था, किस मकाम पर पढ़ाया जाता था, हदीस की तालीम कहां दी जाती थी? ये मदारिस अरबिया में दी जाती थी, और उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनी थी, बहुत बड़ी इमारतें नहीं बनी थी। अगर किसी आदिम को मौका मिल गया तो हुजरे में बैठ के कुरान पढ़ रहा, खाली के मस्जिद जगह मिली वहां बैठ करके कुरान पढ़ रहा, उसे कोई भी कमरा मिल गया वहां कुरान पढ़ रहा, दरसगाह में बिछाने के लिए दरी न मिली तो चटाई बिछा करके कुरान पढ़ रहा। अभी हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने कुरान की तालीम को आम किया, कहां से पढ़ करके आम किया था? ये सब मदारिस अरबिया के पढ़े हुए लोग थे, सब मदरसों के पढ़े हुए लोग थे। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं आज मदारिस अरबिया दहशत गर्दी के अड्डे हैं, जुबान पे तुम्हारे लगाम नहीं है? हमें वो दाल बनती है मदरसे में कि अगर कभी पानी ना मिले तो वजू भी कर लो, बोलो चावल कभी देख लो कैसे तैरते हुए रहते हैं, और सब्जी देख लो कभी, अगर ढाई दिन खिला दिया जाए मदरसे का खाना तो भारत छोड़ के भाग जाओ। बताओ ये कमजोर कौन, दाल रोटी खा करके अल्लाह रसूल की बात करने वाली कौन? क्या दहशत गर्दी के लिए हाथों में तलवार उठाएगी? नोट करो, ये तालीम ही इनको नहीं दी जाती है, मदारिस अरबिया में तालीम इंसानियत की, मानवता की दी जाती है और मोहब्बत की दी जाती है। और अगर किसी को ऐसे भरोसा ना हो तो हमने जामिया शरफुल मदारिस गद्दियाने में 2-4 सीटें खाली रखी हैं, आके एडमिशन ले लीजिए, आके एडमिशन ले लीजिए और आकर के पढ़िए, तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरीके से मदरसों में इंसानियत का प्रोग्राम नशर किया जाता है और किस तरह मानवता और आदमियत की बात की जाती है। मोहतरम सामईन इकराम, ये मदारिस अरबिया ही की देन थी और मदारिस अरबिया ही की बुनियाद थी, और अरबी मदरसों में पढ़ने वाले हमारे आलिमों की कोशिश थी कि आज अंग्रेजों की गुलामी से ये मुल्क आजाद नजर आ रहा है। मोहतरम सामईन इकराम, यही एक खास आलिम नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद शादी किया, अंग्रेजों के छक्के छूटने लगे, वो समझ गए अब इस मुल्क में रहना आसान नहीं है, अब इस मुल्क को छोड़ करके निकल जाओ। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी को कौन सी सजा दी गई थी मालूम है? काला पानी की सजा दी गई थी, इंडोमान जजीरे में आपको रखा गया था, और वहां भी आप याद रखिएगा आपके पास न वहां रोशनी थी, न कलम था, न कागज था, मगर असौरतुल हिंदिया नामी ये किताब लिख रहे थे हिंदुस्तान की तारीख पर और अंग्रेजों के खिलाफ माहौल पर और अपने जिहाद के हुक्म पर एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम असौरतुल हिंदिया था, और उस किताब को लिखा कैसे था? जिनके पास न कागज था, न कलम था, न रोशनाई थी, किस पर लिख रहे थे? कोयले से कपड़े पे लिख रहे थे, कोयले के जरिए कपड़े से लिख रहे, कपड़े पे लिख रहे थे, लकड़ी पे लिख रहे थे। आप गौर फरमाएं, ऐसे लोग मदरसों में पढ़े हैं, मगर उसके बावजूद अल्लामा फजल हक खैराबादी ने आजादी का मुंह न देखा, जिहाद का फतवा सादिर किया, मुल्क को आजाद कराने की कोशिशें की,
सजा खाई, काले पानी में गए, लेकिन जब इनसे मुलाकात के लिए लोग पहुंचे तो पता चला उसी दिन इनका इंतकाल हो गया था और एक जनाजा चला जा रहा था और बड़े धूम से लोग जनाजा निकाल रहे थे क्योंकि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और तवज्जो कीजिए, अल्लामा फजल खैर आबादी का मजार वही है जजीरे में। मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी कौन है? ये कितने बड़े मायनास आलिमे दीन है, इनको भी सदा दी गई काले पानी की, इनका भी मदार वही है। आप गौर फरमाएं, उन्हें भारत की मिट्टी नसीब नहीं हुई बाद में, जिस मुल्क के लिए लौटते रहे और कुर्बानी देते रहे और सदा करते रहे। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो बुजुर्ग हैं, अजीम शख्सियत है। इनको अंग्रेजों ने जब कैद कर लिया और कैद करके इनको जेल से बाहर ला करके चौराहे पे मुरादाबाद के फांसी के फंदे पर लटकाया था। आप जानते हैं जब इनको फांसी के फंदे पर मुरादाबाद के चौराहे पर लटकाया गया था तो उस वक्त बरेली शरीफ में आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमा रहे थे, लोगों सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। वो हमारे बुजुर्ग हैं, ये वाली में दीन है। हजरात कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को? हमें हैरत तो ये है जो मदरसों को दहशत गर्दी का अड्डा कहते हैं, मैं आपको बता दूं अल्लामा फजल खैर आबादी और मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी ने कुछ किताबें ऐसी लिखी हैं जो अरबी मदरसों में आज भी पढ़ाई जा रही है। कौन नहीं जानता मौलाना फजल रसूल बदायूनी को? कौन नहीं जानता लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये जानते हैं उस्ताद हैं किनके? मौलाना सैयद अहमद अशरफ साहब कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने हिस्सा लिया, इन्होंने कुर्बानी दी, तब जा करके इस मुल्क को आजादी मिली। मौलाना हसरत मुहानी को कौन नहीं जानता है? बोलो, किसको नहीं मालूम? हसरत मुहानी ने तो बड़े प्यार से कहा था कि वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बदलाने वाला। ऐसे शेर कौन पढ़ेगा जो आशिक रसूल होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा हाशिम शफी साहब किबला, अल-इंडिया गरीब नवाज काउंसिल। तो मोहतरम सामेईन इकराम, ये जितने हमारे बुजुर्गाने दीन हैं और मुतबर शख्सियात हैं, एक बात मैं आपको और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह इन सबों का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था। सबका ताल्लुक कहां से था बोलो? अहले सुन्नत वल जमात से। दूसरे लफ्ज में कहो तो सब सुन्नी सही अकीदा मुसलमान थे। और तीसरे लफ्जों में इसको खुलासा कर दो कि उनका वही अकीदा था जो आज हमारा अकीदा है। या तुम कहो कि उनका वही अकीदा है जो आज हमारा अकीदा। मगर अफसोस की बात है कि ऐसे प्रोग्राम नहीं किए जाते पूरे मुल्क में। कल मैंने जब दावतनामा जारी किया तो जारी करने के बाद पूरे मुल्क से मुबारकबाद आने लगी, व्हाट्सएप पे लोग बात करने लगे कि हजरत बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, आने वाली नई नस्ल को बताना पड़ेगा कि इस मुल्क की आजादी में हमारा पूरा पूरा हिस्सा मौजूद है। सच है, सच है। हमारे खून के कतरे हैं मुल्क की आजादी में, बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है, न जाने कितनी कुर्बानियां पेश की गई हैं तब जाकर के इस मुल्क को आजादी मिली है। सच है। मोहतरम सामईन इकराम, तवज्जो कीजिए और अपने ज़हन पर इस बात को हमेशा उतारने की कोशिश कीजिए। हम अपने उलमा अहले सुन्नत से ये गुजारिश करते हैं, देखिए मौलाना कलीम साहब अशरफ मस्जिद से तशरीफ लाए, हाफिज मिनहाजुद्दीन साहब कादरी जनरल सेक्रेटरी शहर कानपुर गरीब नवाज काउंसिल, ये भी तशरीफ लाए। यहाँ बड़े जिम्मेदार और नौजवान टीम हमारे साथ बैठी हुई है। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अपने अपने महल्ले में ये पैगाम ले जाएंगे और महल्ले से बाहर ले जाएंगे और पूरे मुल्क को बताएंगे कि अगर मुसलमान ना होते, हमारे उलमा ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ही ना होता। लेकिन आप तारीख पढ़ेंगे अगर तो आपको भुला दिया गया कि कोई प्रोग्राम देखिए आजादी का, तो आप पूछने वाला नहीं है।
आपके नाम भी नहीं आता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमेशा जगों में मुकाबला वही कौमें करती हैं जिसके अंदर रूहानी और जिस्मानी दोनों ताकत मौजूद होती है। बुजदिल कभी जंग नहीं करते हैं, यह और बातें सेहरा उठा के दूसरे का बांध लें, ये अलग सूरत हाल होती है। लेकिन वो ताकतवर कौन जिन्होंने अपने मुल्क की पूरी वफादारी का हक अदा किया और इस मुल्क को आज आजाद कराया। सच हजरात आज भी देखिए और समझिए जरा सा, अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरह महफूज रखिए कि अब हक मिलता कैसे है दुनिया में इंसान को, कैसे मिलता है। हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है, धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, आंदोलन छेड़ो तब हक मिलता है, इसी तरह तो हक मिलता है इंसान को। आप देखो ना हिंदुस्तान के अंदर ही देख लो और बिहार चलिए आप तो देखिए जरा सा बिहार का हाल। वहां एक झारखंड बन गया तो एक तहरीक चली तब तो झारखंड बना, मध्य प्रदेश चलिए तो छत्तीसगढ़ बन गया, एक आंदोलन चला तब तो छत्तीसगढ़ बना, यूपी आइए तो उत्तराखंड बन गया। तो गोया दुनिया में लोग अपना हक लेने के लिए हुकूमतों के सामने मुतालबा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर के पूरे मुल्क में आंदोलन किया था तो अंग्रेजों के पराक्षे हो गए थे और मुल्क आजाद हो गया था, मगर इसके लिए हमें धरना और प्रदर्शन करना पड़ता है तब जाकर के इंसान को दुनिया में हक मिलता है। दोस्तों और बुजुर्गों आओ इस लम्हा, मुझे मुकद्दस इस्लाम याद आ रहा है, ये तालीम हमें किसने दी है, ये इस्लाम ने जुर्रत दी है, ये हिम्मत किसने दी है, ये इस्लाम ने दी है। और इतना इस्लाम पाकीज़ा पवित्र मज़हब है कि इस्लाम के मानने वालों को हक लेने के लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है, बगैर किसी माहौल की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 1400 साल पहले मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने न कोई धरना है न कोई प्रदर्शन है न कोई आंदोलन है न कोई तहरीक है न कोई मुकालमा है न कोई हक मांग रहा है न कोई आंदोलन छेड़े है, और मेरा नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के और मदीने की चटाई पर बैठे हैं मुस्तफा और बगैर मांगे गरीबों का हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों का हक दे रहे हैं मुस्तफा, जवानों का हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वो बेटियां जो जिंदा दफन कर दी जाती थी उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वो बेवा औरत समाज की जिसको मनहूस समझा जाता था उसके साथ पहला निकाह करके 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से बेवा का हक दे रहे हैं मुस्तफा, तालीम के हक दे रहे हैं मुस्तफा, तजारत का हक दे रहे हैं मुस्तफा, तरबियत का हक दे रहे हैं मुस्तफा, महल का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, समाज का हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपने वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा। नारे तकबीर मानने वाले हैं। याद रखो वो ऐसे पैगंबर, इंसान तो इंसान, जानवरों का हक कि जानवर को कब धूप में बांधना चाहिए, कब उसे साये में लाना चाहिए, कब उसे पानी देना चाहिए, कब उसे चारा देना चाहिए, ये सारा हक मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया। जिंदो तो जिंदो, मेरा रसूल मुर्दों का हक दे रहा है, मुर्दों का हक दे रहे हैं पैगंबर। आप देखिए तो जरा सा, अब किसी के घर पे इंतकाल हो जाए, नहलाने का टाइम आ जाए, पानी तैयार है, नहलाने का इंतजाम हो रहा है, आप क्या कहते हो, अरे भाई ठहरो पहले कपड़े उतारे जाएंगे, कपड़े अगर थोड़े टाइट हुए तो क्या कहते हो, खींच खांच के मत उतारना वरना मुर्दे के जिस्म में झटका लग जाएगा, तब कैंची ले लो और इसे काटो, काटो क्यों, ताकि मुर्दे को तकलीफ न पहुंचने पाए। अब गुस्ल करना है, रुई ले लो ताकि झटका न लगने पाए। अब मोहब्बत से बताओ, जो इस्लाम मुर्दों को तकलीफ न देता हो वो इस्लाम किसी जिंदे को क्या तकलीफ देगा।
انسانیت کا مسئلہ ہے، اسلام تو مانوتا کا مسئلہ ہے، اسلام تو بشریت کا مسئلہ ہے، اسلام تو اخلاص کا مسئلہ ہے، اسلام تو اخلاق کا مسئلہ ہے، اسلام تو بھائی چارہ کا مسئلہ ہے، اسلام تو مساوات کا مسئلہ ہے، اسلام تو اہنسا کا مسئلہ ہے۔ آج تعارف کی ضرورت ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، اسلام اپنی آغوش میں کتنی رحمتیں لے کر کے آیا۔ ایک لمحہ کے لیے میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ محبت سے، وہاں کے مردے کو لے چلتے ہو، لا کر کے قبر میں اتارتے ہو، پورا مجمع قبرستان میں کھڑا ہے، عزیز و اقارب سب نام ملنے جلنے والے گھر والے سب آ گئے ہیں، بڑے آہستہ سے رکھا جنازہ، کار اتار دو نیچے قبر میں، ایک کی نظر پڑی، کہا ٹھہرو تھوڑی مٹی گر گئی ہے، رکو ذرا میں اسے مٹی کو صاف کر دوں، میں اسے مٹی ہٹا دوں، کیوں؟ کہیں مرنے والے کے بدن میں چبھ نہ جائے۔ آپ دیکھو ذرا سا، اتر کر کے ایک انسان مٹی کو صاف کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے، کاب لٹا دو، اب اس کو ذرہ برابر کثافت پہ نہ رکھنا، اس کے جو چوٹی لگی ہوئی ہے آگے اور پیچھے انہیں بھی کھول دو، بولو انہیں بھی کھول دو، آسان کر دو، لاؤ تختے، لاؤ بنگے، نمبر ملا لو، کیوں؟ ذرہ برابر اندر مٹی نہ جانے پائے، اس کی چھوٹی سی قبر، اس کا چھوٹا سا گھر اس کے حوالے کر دیا، بنا کے خاندان کے بزرگوں کو بلایا گیا۔ پہلے یہاں پہ ایک بات یہ سن لیجئے، آپ نے گھر سے کاندھے پہ اٹھایا، لے کر کے گئے، اور لے جانے کے بعد آپ نے اسے دفن کر دیا، مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، مجھے بتاؤ کہ یہ بتاؤ، آپ نے اسے کہیں جلایا تو نہیں؟ سچ بولو، نہیں، گھر سے اٹھایا، کاندھے سے لے گئے، عزت سے لے گئے، اور چلے راستے میں اگر کوئی کھڑا تھا تو فوراً ادب سے کھڑا ہو گیا، کوئی بیٹھا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، بچی آگے چلے تو آپ نے کہا بچوں پیچھے آؤ، جنازہ جا رہا ہے، ہم نے کہا مرنے والے کی اتنی عظمت بڑھ گئی، کہا ہاں ہاں یہ مومن کا جنازہ ہے، آنکھ بند کی ہے اپنے آنگن میں، اور کھولے گا کب؟ جب قبر میں چہرے رسول دیکھے گا، صورت رسول دیکھے گا، جلوہ رسول دیکھا تب ہی کھولے گا، گائی سے لے چلو احترام سے، آپ نے اسے جلایا نہیں، آپ نے اسے پھونکا نہیں، پوری دنیا کو بتا دو اب جو قوم مردے نہ جلاتی ہو، بولو جو قوم مردے نہ جلاتی ہو، وہ قوم زندوں کو کیا جلائے گی؟ وہ قوم زندوں کو کیا جلائے گی جو مردہ نہ جلاتے ہیں؟ محترم صحابہ کرام، آپ نے مٹی دینا شروع کیا، خاندان کے بزرگوں کو بلایا گیا، آئیے آپ مٹی دیجئے، مٹی دینا شروع ہو گیا، مگر لگے ہاتھ ایک بات کا فائدہ پہنچ جائے آپ کو، مٹی دیتے ہیں کچھ لوگ اتنی سی ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ ایک ہاتھ سے ڈال دیتے ہیں، دیکھو پورے دونوں ہاتھوں سے بھر کے مٹی دیا کرو، اور اگر ہر مسلمان مرنے والے کی مٹی تین بار دونوں ہاتھوں سے بھر کے دے گا نا، تو انشاءاللہ بعد میں پھڑوا چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے آپ قبر مکمل ہو جائے گی، اپنے آپ قبر مکمل ہو جائے گی، لہذا اس طرح کیا کرو۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جنازہ لے گئے، اسلام تو کتنی رحمتیں بکھیرتا ہے، ایک بزرگ ہیں اللہ اکبر کتنی پیاری بات وہ فرماتے ہیں، فرماتے میں اپنے دروازے پر کھڑا تھا، ایک جنازہ جا رہا تھا، میری نظر پڑی تو تین کاندھے مردوں کے تھے اور ایک کاندھا عورت کا تھا، تو بزرگ نے بلا کے پوچھا کہ عورت نے کاندھا کیسے دیا، لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ جو انتقال کر چکا ہے نا، یہ ہجرے کا جنازہ ہے، تو جب اس کا انتقال ہوا تو محلے والوں نے اسے بہت گری نظر سے دیکھا، کہا بڑا ذلیل انسان ہے، اس کا جنازہ کون اٹھائے گا، کوئی تیار نہیں ہوا، ہم تین آدمی تیار ہو گئے، بعد میں جب چوتھا نہیں ملا تو محلے کی ایک عورت آئی، اس نے کہا چلو میں کاندھا دے دیتی ہوں، اسے قبرستان تک پہنچا دو، تو اسی لیے اس عورت نے کاندھا دیا ہے، حضرت فرماتے ہیں عورت سے لاؤ وہ جو تم کاندھا دے رہی ہو وہ میرے کاندھے پر رکھ دو، اور بہت سارے انعام و اکرام سے اس کو نوازا، اور کہا تم واپس جاؤ۔ علامہ فضل الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ واپس کر دیا، اس کے بعد رات کا وقت ہوا، اور جب حضرت ماہ خواب ہوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا سامنے کھڑا، روشن چہرہ، تو حضرت نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا حضرت وہی ہجڑا ہوں جس کا جنازہ آپ نے اپنے کاندھے پر رکھ لیا تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا، کیا معاف کر دیا؟ کہا ہاں، اللہ میرے گناہوں میں کبھی نہ مجھے معاف کرتا، مگر صرف اس لیے معاف کر دیا کہ جب میں مرا تو محلے کے لوگ مجھے ذلیل نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی جنازہ نہیں اٹھا رہا تھا، تو خدا کی قدرت کاملہ نے کہا بندہ میرا ہے،
चाहे जितना गंदा हो, ये बंदा है, मेरा बंदा है, दुनिया वालों तुम्हें जलील करने का क्या हक है। अल्लाह की वही भी जोश में आई और अल्लाह ने मेरी बख्शिश का ऐलान फरमा तो मैंने आपके सामने अर्ज किया। मैं कहने का मकसद यह है मेरे और बताने का मकसद यह है कि इतनी कुर्बानियां ये सच्चे मजहब के मानने वालों ने दी, तब जाकर के मुल्क आजाद हुआ। आज हमको ऐसा हाशिए पे डाल दिया गया है, हमारे बुजुर्गों को कोई नाम नहीं देता, कोई जिक्र नहीं करता, वो समझते हैं कि मुल्क की आजादी में ये लोग सो रहे थे। अब अगर दो चार घंटा आजाद कराने में लगते तब तो लिख ही देते कि सो रहे थे। जी सही, लेकिन वहां बरसों बरस लगे हैं, कितना सोएगा। आप सोचिए जरा, ऐसा तारीख को लोग मस्क कर रहे हैं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नस्लों को उजागर करें ये बात और उनको बताएं कि मुल्क के हम मुकम्मल तौर पर हकदार हैं। लेकिन ये ख्याल ख्वाब में भी ना था, ये सोचा भी नहीं होगा कभी कि जिस मुल्क को हम आजाद कराएंगे उस मुल्क में हम ही पर जुल्म ढाया जाएगा, हम ही पे ज्यादती की जाएगी, हम ही को मजालिम का शिकार बनाया जाएगा। आप देखो जरा सा क्या है ये, तीन तलाक का बिल जो एक पार्लियामेंट में पास हुआ और दूसरे में लटक गया जाकर के, ये क्या है? ये सीधे कुरान और इस्लाम और शरीयत पर मुदाखलत है। अब बताइए आप, क्या ऐसा अंग्रेजों के जमाने में हुआ जिनको हम मुल्क से दौड़ा रहे थे, खदेड़ रहे थे, जिनकी हम मुकम्मल तौर पर हर तरीके से जिनमें सुधार ला रहे थे कि निकलो जल्दी, भारत छोड़ो जल्दी, हर तरीके की तरीके चला रहे थे, उन अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह कुरान पर मुदाखलत नहीं की गई। बोलो ये कितने अफसोस की बात है, ये कितने अफसोस की बात है। आप देखिए जरा सा, उससे पहले जमाने में भी नहीं, उसके बाद देख लीजिए हुकूमतें और आई, पार्टियां जो आज हैं वो भी हुकूमतें कर चुकी हैं, लेकिन उन जमानों में भी कुरान में इस तरीके की मुदाखलत और इस्लाम में इस तरीके की मुदाखलत नहीं की गई। अब सवाल ये है और कहने का मतलब ये है कि कल अजाने बगैर लाउड स्पीकर के हो रही थी, आज लाउड स्पीकर पे हो रही है, कल अजान देने वाले 100 थे, आज 100 लाख लोग हैं, तो लाउड स्पीकर से अजान हो या बगैर लाउड स्पीकर के अजान हो, मगर अजान होती रहेगी। इसी तरीके से शरीयत में तलाके सलासा का जो मसला है, चाहे उस पर बिल लाया जाए चाहे ना लाया जाए, होगा वही जो कुरान का हुक्म है, हदीस का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है। इसलिए दोस्तों अब देखिए आप जरा सा और दूसरी बात पर आप ध्यान दीजिए, जैसे गैर महरम के साथ आप हज के लिए जा सकते हैं, यह कभी नहीं हुआ। हमेशा इस मुल्क ने रियायत रखा कि मुसलमानों का जो इस्लामी कानून है उसके ही हिसाब से हज होना चाहिए। सच अब वो औरतों को हक देने के लिए चले तो गैर महरम के साथ भी औरत हज के लिए जा सकती है, लेकिन इसमें जानते हो कितने 1300 दरखास्तें आई, कितनी 1300 में 1124 दरखास्तें केरला की, और वो शाफियुल मसलक होते हैं और उनके यहां जाना इस तरह दुरुस्त है, और बकिया जो दरखास्तें यूपी से आ रही है 34-35, वही बेचारी बूढ़ी बुजुर्ग होंगी जिनका कोई सहारा नहीं होगा, बाकी कितना भी कोई कुछ करे घुमाए फिराए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमल इस्लाम ही पर जारी रहेगा।